मोदी सरकार तो देश को बर्बाद कर देगी अगर इस बार आई। अभी तक तो कुछ बिचवी का है, कुछ बचा हुआ भी है, लेकिन अगली बार गुलाम हो जाएगा देश अगर वह आ गई तो। और गरीब को और गरीब बनाते जा रही है, अमीर को और अमीर बनाते जा रही है, अमीरों का टैक्स भी फिर माफ़ कर रही है और उसको अलग से पैकेज भी दे रही है कि बैंक का लोन एनपीसीआई कहता है हो जाता है और उसको माफ़ कर देती है सरकार, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं है। आज तक मनरेगा में पैसा नहीं बढ़ाया, जहाँ तक मनरेगा को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है ये सरकार। और इतना न कानून बनाया है नया नया कि लोग मजदूर परेशान है, उसका हाजिरी नहीं बन पाता है, वो एनएमएस होता है, एनएमएस के चलते हाजिरी नहीं बन पाता है, मजदूर हतोत्साह हो रहा है कि हम कैसे काम करेंगे। तो ये सब भी बहुत फैक्टर है देश को। तो रेलवे को बेच दिया, हवाई अड्डा को बेच दिया, हवाई जहाज़ को बेच दिया, दूर संचार को बेच दिया, इस तरह से पूरे जितने भी जो कमायु संगठन था सबको बेच के कंगाल बनाते जा रही है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी से पैसा लेके रोड बना रही है, हम विकास कर रहे हैं, वो विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। जैसे ब्राज़ील में हुआ था वही परिस्थिति आने जा रहा है भारत में, इसलिए इसको हटाना जरूरी है और न्याय संगत जो काम करे उसको लाना चाहिए।